देखिए हमारे पास यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट अप्लाइड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ डेट डाल दूँ तो अपने आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है डेट फॉर्मेटिंग में। इसी तरह नंबर डालता हूँ तो ये नंबर फॉर्मेटिंग हो गई। जनरल अपने आप डिसाइड करता है कि किसको किस फॉर्मेट में डालना है। ठीक है जी। देन आगे के देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को। नंबर फॉर्मेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से ये एरो को क्लिक कीजिए या फिर आप Ctrl+1 क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करके अपना फॉर्मेट सेल खोल सकते हैं। इसमें ये नंबर कैटेगरी आती है, नंबर कैटेगरी ये, तो ये इसे नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए कुछ इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस डिफरेंट डिफरेंट तरह से होती है ये। सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर है और कुछ मैं माइनस वाली वैल्यूज भी ले लेता हूँ। तो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन इसके अंदर गया मैं, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खोला नंबर पर। नंबर में आपका सबसे पहले है सैंपल। सैंपल में आपको जो भी चीज एप्लीकेबल होगी वो दिखाई देगी, सच एज यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट्स है तो यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट दिखा रहा है, 3 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल पॉइंट, आप जितने चाहिए आप रख सकते हैं। तीसरी चीज, दूसरी चीज है ये अपना यूज 1000 सेपरेटर, तो 1000 के बाद कॉमा लगा देगा, 8000। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है। देन है आपके पास नेगेटिव नंबर। आप अपने नेगेटिव नंबर कैसे शो कराना चाहते हैं? अभी बाय डिफॉल्ट तो ये आपके नेगेटिव नंबर आगे माइनस के साइन के साथ दिखाता है, पर ये वाला फॉर्मेट अगर हम चूज करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आपको रेड कलर में दिखाएगा। उसके अगला वाला चूज करते हैं तो नेगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर दिखाएगा। उसके अगला वाला चूज करते हैं तो नेगेटिव नंबर विद ब्रैकेट एंड रेड कलर दोनों के साथ दिखाएगा। ठीक है जी। देन बात करते हैं करेंसी की। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है करेंसी है। करेंसी में क्या होता है, डेसिमल पोजीशन सेम है, दूसरा है सिंबल, नेगेटिव नंबर भी सेम है, सिंबल इसमें एक एक्स्ट्रा है। तो सिंबल में आप कोई भी करेंसी का साइन लगा सकते हैं। सपोज आपको रुपए का ये साइन लगाना है तो मैंने यहाँ रुपए लिख दिया। ठीक है जी। अगर आपके पास ये वाला साइन ना आ रहा हो तो कहाँ से करेंगे हम, गूगल में जाके हमें टाइप करना है रुपी फोर्डियन। रुपी फोर्डियन फॉन्ट है, डाउनलोड रुपी सिंबल, ये रुपी फोर्डियन फॉन्ट, इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको यहां से कॉपी करेंगे। देन आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे ऊपर फॉन्ट, फॉन्ट का फोल्डर आ गया, यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। आप पेस्ट कर देंगे, आपकी एक्सेल एप्लीकेशन में रुपी का सिंबल आ जाएगा, आपके करेंसी वाले पार्ट में यहाँ पे आप देख पाएंगे उसे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास अकाउंटिंग। अब देखिए करेंसी और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, यहाँ मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। यही नंबर मैं बगल में कर लेता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अकाउंटिंग फॉर्मेट में। अकाउंटिंग में डेसिमल प्लेसेस है, सिंबल है। क्या होता है, अकाउंटिंग में आपके जो जो सिंबल्स हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, ये करेंसी वाले। बाकी करेंसी फॉर्मेट में ये टेक्स्ट के साथ ही रहते हैं। दूसरा, अगर इसमें कहीं जीरो होता है तो
तो एज अ डैश आता है, जीरो नहीं शो करता जैसे बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। तो फ्लो में देखने के लिए हमें ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यहाँ पे जीरो का जीरो रहता है, ये जीरो को डैश की तरह कन्वर्ट कर देता है। देन हमारे पास डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट जानने से पहले हम दिखाते हैं डेट। डेट में कंट्रोल दबा के सेमी कॉलन दबाता हूँ तो करंट डेट इंसर्ट हो जाती है, ठीक है जी। अब डेट डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। पर देखिए मैं इसको जनरल में वापस कन्वर्ट करता हूँ, तो जनरल में मुझे दिखा रहा है कुछ नंबर्स ही है। नंबर्स का क्या मतलब है? नंबर का मतलब जानने के लिए आप एक लिखिए, ठीक है जी, और इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या दिखा रहा है? 1 जनवरी 1900। यहीं 31 डालते हैं तो क्या हो जाता है? 31 जनवरी 1900। 32 डालते हैं तो क्या हो जाता है? 1 फरवरी 1900। मतलब कि तब से लेकर अब तक कितने दिन हो गए हैं, ये जनरल फॉर्मेट में रहता है। और डेट का फॉर्मेट ऐसा है जो इसको कन्वर्ट करता है, कैलकुलेट करता है अपने आप से, ठीक है जी। यानी कि अगर मैंने करंट डेट डाली है तो इसमें मैं अगर 10 दिन जोड़ता हूँ तो कैसे? नॉर्मल नंबर्स में तो 10 जोड़ देंगे जुड़ जाएगा, ठीक है जी। अब इस फॉर्मेट को मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। क्या आ रहा है? 10 अगस्त 14। आज क्या डेट है? 31 जुलाई 14, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम डेट में जब भी हमारी से सही फॉर्मेट में है तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं प्लस का साइन लगा के, बिकॉज वो भी एक नंबर ही है। पर यही चीज अगर टाइम के साथ देखें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वही सेमी कॉलन दबाएंगे तो करंट टाइम डाल देगा। टाइम के साथ देखें, इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, क्या आ रहा है? 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। 0 पॉइंट समथिंग यानी कि टाइम जो है वो डेसिमल के बाद लेता है। इसी तरह मेरे पास जो है करंट डेट एंड टाइम के लिए नाउ का फंक्शन है, तो मैं इसको अगर जनरल फॉर्मेट में कर दूँ तो क्या दिखा रहा है मुझे? 41851.42407। यानी कि अगर यहाँ जो नंबर था, मैं अगर इसमें से इस नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये पॉइंट वाली वैल्यू। और जब मैं इसे टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या दिखाएगा? करंट टाइम, ठीक है जी। तो इससे ये बात पता पड़ती है कि हमारा जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो है टाइम, और डेसिमल के पहले की जो वैल्यू है वो है डेट। बाकी डेट टाइम के चैप्टर में इसको और डिटेल में समझाएंगे कि इनसे कैलकुलेशन कैसे होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो बात कर रहे हैं डेट फॉर्मेट की। तो मैंने एक डेट डाली, यहाँ गया, यहाँ पे डेट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। सपोज आपके पास ये है कि आप पता लगाना चाहते हैं कि उस दिन दिन कौन सा है। ये मैंने ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट किया, इसमें क्या कह रहा है? थर्सडे 31 जुलाई 2014, ठीक है जी। दूसरा फॉर्मेट है हमारे पास, पहले मंथ आएगा फिर डे आएगा, ठीक है जी, 7/31 दिखा रहा है। तीसरा है हमारे पास मंथ आएगा, डे आएगा, ईयर आएगा 2 डिजिट में, ठीक है जी। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। जैसे ये वाला फॉर्मेट देखेंगे तो 14 मार्च लिखा हुआ, यानी कि हमारा जो आएगा 31 जुलाई लिखा हुआ आएगा। विद ईयर आपको दिखाना है, विद ईयर के साथ है। आपको खाली मंथ नेम चाहिए, मंथ नेम एंड ईयर, मंथ नेम एंड ईयर आ जाएगा। फुल मंथ नेम एंड ईयर, फुल मंथ नेम ईयर आ जाएगा। डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में देना है कि मंथ का पूरा नाम आए, जुलाई 31 2014।
तो आपके पास काफी सारे फॉर्मेट है, खाली मंथ का इनिशियल चाहिए, एम तो जे आ गया, इनिशियल के साथ दो डिजिट में ईयर चाहिए, ईयर आ गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आपके पास डेट के पहले से बने हुए, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन बात करते हैं टाइम की। अब देखिए टाइम में कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, बेसिकली तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। पहला 12 घंटे वाला, जिसमें हमारा AM PM आता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 1:30:55 PM, मतलब कि ये जो फॉर्मेट है वो AM PM का है। जैसे हम दिन के 1 बजे जाएंगे तो 1 PM दिखाएगा। दूसरा फॉर्मेट है 13:30 का, जिसे 24 आवर्स फॉर्मेट कहते हैं। 24 आवर्स फॉर्मेट में क्या है, जैसे 10:13 है, इसमें इसे AM PM की जरूरत नहीं। सपोज मैं यहाँ पे, मैं इसे यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 PM, ठीक है, तो 13 आवर्स दिखा रहा है, ठीक है जी। इसी 13:30:55 वाला फॉर्मेट है, जो कि सेम इसी का ही है, सेकेंड भी साथ में 24 आवर। अब बात करते हैं, मान लीजिए बियॉन्ड 24 आवर फॉर्मेट की, जब हमें गिनना हो कि टाइम इलेप्स्ड कितना हुआ। मान लीजिए एक बंदा आज घुसा 5 बजे शाम को और अगले दिन 7 बजे निकला, मतलब 24 घंटे से पार है, तो हमें ये निकालना है कि एग्जैक्ट कितने टाइम वो रहा अंदर, ठीक है जी। मान लीजिए अब इसमें कैसा है कि जैसा मैंने बताया डेसिमल के बाद दिन है, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 1.2 जोड़ लेता हूँ, ठीक है जी। पॉइंट वाला घंटे में जुड़ जाएगा और जो डेसिमल से पहले वाला है वो डे में जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या करेगा, अगले दिन ये शाम के 5:48 बता रहा है, पर हमें कैसे पता पड़े, हमें तो टाइम इलेप्स्ड चाहिए ना। तो उसके लिए 37:30 का फॉर्मेट है, 30:55 और 37:30 का फॉर्मेट है, और टोटल बता रहा है कि जी 41 घंटे हो गए टोटल, ठीक है जी। यानी 13 घंटे यहां से जोड़े, 13:24 यहां से लिया, और बाकी 0.2 का आप लगा लीजिए कितना होगा, वो इसने जोड़ दिया। अगर 0.1 करते, नॉर्मल 1 करते हैं, तो सीधा सीधा 37 आता है, 13:24:37, ठीक है जी। तो मकसद ये था कि आप टाइम इलैप्स्ड जहां भी दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, वो ये है। तो ये था आपका टाइम के बारे में। टाइम में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेसिमल के बाद की वैल्यू है, तो अगर 1 जोड़ेंगे तो डेसिमल से पहले ही जाएगा ऑफकोर्स, तो वो जाएगा डे में। मान लीजिए फिलहाल आपको जोड़ना ही है, आपको नहीं पता कैसे जोड़ना है, आप 1 बज रहे हैं, इसमें 1 घंटा जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, 24 घंटे में से ही बने हुए हैं, तो डिवाइड बाय 24 कर दीजिए, अगला 1 जुड़ के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है जी। देन आप कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे मिनट जोड़ने हैं, तो मिनट के लिए क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ठीक है जी, 1:01। आप कहोगे नहीं मुझे सेकंड जोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ठीक है जी। यहाँ कुछ ई में चला गया ये, ज्यादा ही कैलकुलेशन हो गई। तो इसी तरह के फंडे हैं जो हम यूज करते हैं।
टाइम सेकेंड, तो ये एक जुड़ के आ गया इसमें, ठीक है जी, एक सेकेंड। अब बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए जब भी हम किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए मेरे को नंबर मिले 250, कितने में से, 500 में से, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने परसेंट नंबर मुझे मिले, तो क्या करते हैं, इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 500, ठीक है जी, 0.5 आया। देन इसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 100 से, ठीक है जी, तो 50% आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जगह आप परसेंटेज का फॉर्मेट लगा लें, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट आपकी जो वैल्यू है, अगर जनरल फॉर्मेट में देखेंगे तो वही है, पर इसे पता है, इसका मतलब है कि आप जब एक डालें तो उसका मतलब होता है 100%, ठीक है जी, दो डालेंगे तो 200% होता है। हाँ, परसेंटेज का सिंबल एक बार अप्लाई हो चुका है तो फिर जो भी डालेंगे वो एक्चुअल पड़ेगा, ठीक है जी, और परसेंटेज का हटाएंगे तो रियलिटी सामने आएगी कि ये जो है, यहाँ से नंबर में जनरल में कर देंगे तो ये है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है जी। देन आपके पास है इसमें फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 1.5, 0.5, 3.5, अब इनको मैं फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, 1 से 1/2, इस तरह से कोई भी यूज करेंगे सारे अपना काम करेंगे, ठीक है जी, 1 से 1/2, 1/2, 3 से 1/2, तो इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं। देन आपके पास एक फॉर्मेट है, साइंटिफिक हमारे किसी काम का नहीं है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का। देखिए टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या करता है, मान लीजिए चेक नंबर एंटर करने हैं, तो मैंने बताया था पोस्ट ऑफ के साइन के साथ आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी, कोटेशन मार्क के साइन के साथ, जहां आपको जीरो लगाने। बट अगर आपको ऐसे ही काफी सारा काम करना है तो कितनी बार आप कोटेशन मार्क लगाएंगे, सपोज मुझे यहाँ पे हर जगह ऐसे ही नंबर डालने हैं जो आगे जीरो से शुरू होते हैं, क्या करेंगे, उसको उठा के कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट में, यहाँ से चूज कर लीजिए या डायरेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं टेक्स्ट में, तो अब आपको कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, आप जल्द नंबर देते जाइए, ठीक है जी। ये आपका एंट्री होती जाएगी। अब आते हैं कस्टम पे, स्पेशल की जरूरत नहीं, ये कस्टम से कर लेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। अब मान लीजिए क्या होता है कि ये जो एरर आ रही है इसके पास, अब ये एरर में से गलती से दब गया कन्वर्ट टू नंबर, ठीक है जी, नंबर कन्वर्ट हो गया, मुझे क्या करना है, जीरो वापस लगाने हैं इसमें, कैसे करूंगा, इसके लिए क्या करूंगा, मैं कस्टम में गया, 6 टाइम 0 टाइप कर दीजिए, ठीक है जी, क्योंकि मेरे ना चेक नंबर जो है 6 डिजिट के, तो 0 इसमें वापस आ गए। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये वैल्यू एक्चुअल में 0 नहीं है यहाँ पे, ये खाली विजिबिलिटी के लिए है, क्योंकि फॉर्मेट्स हम कस्टम फॉर्मेट्स यूज करते हैं, ये डेटा के रियलिटी को नहीं, विजिबिलिटी को चेंज करते हैं खाली, ठीक
जब डबल क्लिक करके देखेंगे तो डेटा वही रहेगा, यानी कि इन नंबरों पे आप कैलकुलेशन तक कर सकते हैं। वो वैसे करके देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसमें आप कैलकुलेशन तक कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक्चुअल में वो वैल्यू तो है ही नहीं, एक तो खाली ऊपर ऊपर से बदला है, तो मैंने 0 ही क्यों दिया। जीरो क्या है कि हमारा एक स्पेसिफायर है डिजिट के लिए, जो कस्टम में देते हैं हम। वो क्या करता है कि आपने जितने नंबर दिए दिए, जब हमने सपोज 6 डिजिट के 6 0 डाल दिए, तो जितनी डिजिट आप दे रहे हैं ओके, बाकी की वो खुद 0 से फिल कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो बाकी के इसके आगे के 5 0 वो खुद लगा देगा, ठीक है जी। मैं एक मान लो टाइप करता हूँ 12, तो बाकी के 4 0 वो खुद लगा देगा, वो अपने आप ही फिल कर देगा। उसे चाहिए 6 डिजिट में, जहां आप वैल्यू नहीं देंगे वहां वो 0 खुद लगा देगा। अगर 6 डिजिट का आप दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसे, ठीक है जी। उसे तो 6 डिजिट पूरी करनी है, ठीक है जी। कस्टम फॉर्मेटिंग के कोर्स को और बेहतर समझने के लिए हम एक रेफरेंशियल शीट खोलते हैं। F1 प्रेस करेंगे एंड यहाँ टाइप करेंगे कस्टम नंबर फॉर्मेट। कस्टम, तो ये कस्टम वाला जो है आपको सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन हेल्प में, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, अभी हम ऑफलाइन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया क्रिएट और डिलीट कस्टम नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे देखेंगे हम, तो कस्टम नंबर हम फॉर्मेट यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ इसके बारे में रिव्यू लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, इनको छोड़ दीजिए अभी, इसको भी अभी छोड़ दीजिए, हम आते हैं डायरेक्ट 0 पे, ठीक है जी। तो दिस डिजिट प्लेस होल्डर डिस्प्लेस इनसिग्निफिकेंट 0 इफ अ नंबर हैज फ्यूअर डिजिट्स देन देर आर 0s इन द फॉर्मेट। ओके, जैसा कि इसने इसमें एग्जांपल खैर अभी आपको नहीं समझ आएगा। तो 0 हम इसलिए यूज करते हैं कि ये इंसिस्ट करता है कि आगे अगर डिजिट नहीं है तो 0 लगा देगा। उसी की तरह ही हमारे पास एक हैश का स्पेसिफायर होता है। हैश कब यूज करते हैं हम लोग, अब देखिए हैश का जो सिंपल फंडा है, मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कर देता हूं। जैसे मैं आपको मीटिंग आईडी जो आती है वो 6 डिजिट की आती है, मुझे बीच में कुछ एडिशन करना है उसके अंदर, मतलब 9 डिजिट की आती है, इस तरह से डैश बीच में आता है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ मुझे डैश ना डालने पड़े, तो क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा जहाँ भी डालना है। मैंने क्या करना है, हैश 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 डैश हैश 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 डैश हैश हैश हैश, ठीक है जी। अब ये काम तो ये भी 0 की तरह ही करता है, मतलब टेक्स्ट तो आएगा ही आएगा, बट ये इंसिस्ट नहीं करेगा किसी को कि उसके आगे कुछ भी फिल कर दे, जो आपने दिया ठीक है। ये हम खाली इसको वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं हैश को, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पर अब देखिए, अगर मैं ज्यादा नंबर दे देता हूँ इसमें तो क्या होता है कि बाकी जो फॉर्मेट है वो आगे पटक देता है। जो हम देख रहे हैं इस फॉर्मेट में क्या है कि लास्ट से 3 डिजिट ली, फिर डैश लगाया, फिर अगली 3 डिजिट ली, फिर डैश लगाया, फिर अगली 3 डिजिट ले ली, और अगर इससे ज्यादा है तो वो आगे पटकता जाएगा,
ठीक है जी। तो इस तरह से फॉर्मेट बनाने के लिए आप इसको हैश का यूज करते हैं। हैश जीरो जो है केवल नंबर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है जी। लेट सपोज आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और उसके आगे जो हमारा कंट्री कोड है हम ऑटोमेटिक लगवाना चाहते हैं। तो कंट्री कोड क्या है हमारा, +91 +91 हम लगवाना चाहते हैं हमारे नंबर के आगे। सिंगल हैश से भी आपका काम चलेगा, ठीक है जी। एक बार हैश दे दिया या 10 बार दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। हैश का मतलब ये कि जो आपकी बची हुई वैल्यू है वो दिखाए। मैंने कोई नंबर टाइप किया तो इसमें +91 अपने आप लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, +91 इसमें आपको अपने आप फिट हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हम कम नंबर भी देते हैं तो भी +91 से प्रोसीड आता है। अगर इसी की जगह हम 0 दे देते तो क्या होता, मान लीजिए मैं इधर 0 दे देता तो ये क्या करता, आगे 0 लगा देता, मेरी फॉर्मेटिंग गलत हो जाती। तो इसके लिए हैश यूज करूंगा, ठीक है जी। अगर मैं ये यूज ही ना करूं, क्या है खाली 91 दिखा रहा है, मतलब जो भी लिखा हुआ है और जबकि वैल्यू अंदर क्या है 2356। तो जो भी लिखा हुआ है वो दिखाने के लिए हम ये हैश या जीरो का यूज करते हैं। हैश लगाया वैल्यू आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है डेसिमल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, हालांकि इसको यूज नहीं करते। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे जैसे 1 2 3 4.59 है, इसको हमें क्या करना है राउंडेड से में दिखाना है 1 2 3 4.6 में, मतलब सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट है। तो हम कौन सा कोड यूज कर रहे हैं, ये वाला 4 बार हैश डॉट हैश। डॉट हैश मतलब एक ही डिजिट दिखाएगा, ठीक है जी। ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एक तो दिखाएगा ही दिखाएगा वो। देन हमारे पास है 8.9 को 8.900, जहां 00 की बात आती है तो वहां 00 ही लग जाता है, ठीक है जी, 3 डेसिमल पोजीशन तक। 0.631 है, इसको 0.6 दिखाना है, यहाँ 0.631 है। तो जहां मैं जीरो, यहाँ अब जीरो वैल्यू तो है नहीं, पॉइंट की वैल्यू है, जीरो की वैल्यू फिर भी दिखानी है तो यहाँ जीरो लगा हुआ, पॉइंट हैश सिंगल डिजिट के लिए। 12 को 12.0 दिखाना है तो हैश .0 हैश, आगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे हो, क्योंकि तो हम यहाँ पे दो ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें क्या दिखा रहा है, जीरो के बाद अगली डिजिट है तो दिखाए वरना ना दिखाए, तो इसलिए हैश यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि डिजिट थी 5 6 8 था तो 5 7 डबल डिजिट तक दिखाया। दूसरा अलाइंड फ्रैक्शनल, अलाइंड डेसिमल्स में क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉट इधर है, कभी इधर है कभी इधर है, डॉट एक सिमिट्री में नहीं है और यहाँ देखेंगे तो एक सिमिट्री में डॉट है, ठीक है जी। उसके लिए क्या किया, इसने स्पेस बनाया कि 3 डिजिट इधर होना चाहिए, इधर डॉट होना चाहिए और 3 डिजिट इधर होना चाहिए। तो यहाँ जैसे है तो 2 पर स्पेस 3 का है, फिर डॉट है, फिर ये 3 का स्पेस, तो 3 का स्पेस डॉट 3 का स्पेस, इसी तरह 3 का ये डॉट 3 का स्पेस, इस तरह से स्पेस मेंटेन करता है। अलाइंड फ्रैक्शनल्स के लिए भी यही है, हालांकि इसको तो ये ज्यादा ही हो जाएगा, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी 12,000 है, कॉमा सेपरेटर मैंने बताया, कॉमा सेपरेटर कैसे लगाना है, ठीक है जी। अच्छा वहां तो कुछ और फॉर्मेट अप्लाइड है, कोई भी मैं
यहाँ मुझे कॉमा सेपरेटर लगाना है। कस्टम में गया, मैंने क्या करना है, हैश कॉमा हैश हैश हैश, ठीक है जी, कॉमा सेपरेटर आ गया, कॉमा आ गया। और आपने एक चीज देखी, जैसा मैंने आपको बताया था वैल्यूज इन करोड़ वगैरह हम निकाल रहे थे, अगर आपको वैल्यू इन थाउजेंड निकालनी है ना, तो हैश के बाद ये लगाने की जरूरत नहीं है, हैश के बाद कॉमा लगा दीजिए खाली, 11,000 को 11 दिखाएगा ये खाली, क्यों, कॉमा के बाद हमने कोई डिजिट दी नहीं है, और ये कॉमा को आइडेंटिफाई करता है किससे, थाउजेंड से, ठीक है जी। तो थाउजेंड के बाद जब इसका स्पेसिफायर नहीं लगाएंगे तो ये कुछ नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है जी। इसी तरह से हम करते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10,24,573 ये ले लिया हमने, ठीक है जी। अब इसमें कॉमा जो दिखा रहा है वो एक अलग ही जगह दिखा रहा है, ये मिलियन वाला सिस्टम है तो 1 मिलियन दिखा रहा है, लाख पे तो दिखा नहीं रहा, हमें लाख पे चाहिए होता है मोस्टली, ठीक है जी। तो वैल्यू इन 10 लाख जो है वो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ डबल कॉमा लगा के, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, इन्होंने 12 मिलियन को कैसे दिखा रखा है, 12.2, तो 0.0 डबल कॉमा, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 0.0 डबल कॉमा, ठीक है जी। है जीरो भी लगा सकते हैं, हैश भी लगा सकते हैं, जीरो इसलिए कि अगर मान लीजिए आगे जीरो है, मिलियन से कम की वैल्यू है, तो वहां जीरो तो एटलीस्ट फिल हो। तो ये जो कॉमा है हमारा पहला सेपरेटर, पहला ये ब्रेक करेगा आपकी वैल्यू को थाउजेंड पे, दूसरा करेगा मिलियन पे, ठीक है जी। अभी मैं इसके बारे में और भी आगे बताता हूँ। दूसरा एक कलर हम इसमें डील कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने कर दिया रेड बड़े ब्रैकेट में, तो ये आपकी वैल्यू होने वाली है, क्या हो गया, रेड जनरल, रेड हो जाना चाहिए इसको, डायरेक्टली होना चाहिए ऐसा, तो कस्टम यहां से मैं करता हूं, ब्लू, तो पूरा ही गायब हो गया, आ गया रेड में, ब्लू ब्लू में आ गया। तो कलर दे सकते हैं, हालांकि इसका हम यूज नहीं करेंगे, कंडीशनल कलर भी दे सकते हैं आप इसमें, जैसे कि आपकी वैल्यू है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 99, यहाँ 105, अब इसमें मैंने कहना है कि अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही कंडीशन लगती है, देन क्या होना चाहिए, ग्रीन, सेमी कॉलन से ये कंडीशन ब्रेक होती है। दूसरी कंडीशन है, अगर मेरी वैल्यू लेस देन 100 है तो क्या होना चाहिए, रेड,
तो ये कंडीशन लगा दी मैंने, आ गया ये ग्रीन में, आ गया ये 99 में, रेड में आ गया। तो इस तरह से इसमें कंडीशन भी लगाई जा सकती है अलग अलग कॉमा से और बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। देन बात करते हैं डेट की। थोड़ा डेट के साथ खेलते हैं। यहां मैंने डेट डाली, अगर आपको दिन सिंगल डिजिट में चाहिए डी, तो डी टाइप करेंगे खाली दिन दिखाएगा आपको, ठीक है जी। दो बार डी टाइप करते हैं तो क्या दिखाएगा आपको, डबल डिजिट का मतलब, अगर एक तारीख होगी तो 01 दिखाएगा डबल डिजिट, ठीक है जी। तीन बार डी टाइप करते हैं तो क्या होता है, एब्रीविएटेड डे नेम आ जाता है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे वो आ जाता है। चार बार डी मारेंगे तो एब्रीविएटेड फुल डे नेम आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास है एम, एम जो है मंथ के लिए है, दो बार एम डालेंगे तो डबल डिजिट मंथ नेम 07, तीन बार एम डालेंगे तो एब्रीवेटेड मंथ नेम, चार बार एम डालेंगे तो फुल मंथ नेम, पांच बार एम डालेंगे तो इनिशियल ऑफ द मंथ फर्स्ट लेटर ओनली, ठीक है जी। और ईयर के लिए हमारे पास सिंपल है वाई वाई फॉर टू डिजिट ईयर, और चार बार वाई डालेंगे फोर डिजिट ईयर के लिए, ठीक है जी। अब इससे डेट बनानी है मैंने, तो मैंने क्या करना है, मैंने पहले दिखाना है कि संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह, तो एब्रीवेटेड भी चलेगा मेरी तरफ से, या फुल दिखा देते हैं, चार बार दे देता हूँ डी, ठीक है जी। चार बार डी दे दिया, देन मुझे चाहिए कॉमा, देन मैंने क्या करना है, यहाँ पे आ जाए मंथ नेम, मंथ नेम एब्रीवेटेड आ जाए, तो तीन बार एम डाल दिया मैंने। देन मुझे चाहिए कॉमा फिर से, और यहाँ मुझे देनी है अब डेट देनी है, तो फिर मैं खाली दो बार डीडी डाल देता हूँ डबल डिजिट के लिए। देन मुझे चाहिए, मैं फिर से कॉमा डाल देता हूँ, चार डिजिट में ईयर चाहिए, तो चार बार वाई कर दिया, ठीक है जी, ओके किया, और ये है आपकी डेट फॉर्मेट, ठीक है जी। डाली एक ही डेट है, उसी से आप कितनी बार भी इसमें आउटपुट ले लीजिए, मान लीजिए तीन बार डी और लगा देता हूँ, क्या है एब्रीवेटेड मंथ नेम भी इसी में दे देगा, तो एब्रीवेटेड डे नेम, तो जितना मर्जी आप इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे एमएम से क्या होता है तीन बार चार बार पांच बार से, ठीक है जी। और किसको कैसे दिखाना है, कौन सा कोड यूज करना है, ये क्या चीज है और कैसे शो होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपके सारे, इसी तरह आपके पास है टाइम का, ठीक है जी। टाइम देखते हैं, यहां मैंने डाल दिया टाइम, ठीक है जी। मुझे खाली आर्स दिखाने हैं तो क्या टाइप करूंगा, एच मुझे खाली मिनट दिखाने तो क्या टाइप करूंगा, एमएम। एमएम इसमें आता है आपका, बड़े ब्रैकेट के अंदर, मतलब 10:42 में टोटल मिनट कितने हैं, तो टोटल मिनट काउंट करके बता दें, ठीक है जी। एमएम वैसे मिनट के लिए होता है, एच मैंने टाइप किया, एमएम टाइप किया और कॉलन के साथ एसएस टाइप कर दिया कॉलन के साथ ही,
तो ये मुझे इस तरह से इस फॉर्मेट में दिखा रहा है वैल्यू। एम पीएम के लिए चाहिए तो मेरे पास है एम स्लैश पीएम, यही फॉर्मेट डालेंगे हमेशा जब एम पीएम चाहिए तो, या फिर डाल सकते हैं ए स्लैश पी, ठीक है जी, ये फॉर्मेट डाल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम इलेप्स्ड की। तो इलेप्स में क्या करना होता है, देखिए आवर के लिए एच चलता है, मिनट के लिए एम चलता है, सेकंड के लिए एस चलता है। तो इलेप्स्ड टाइम के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एच डालेंगे, ठीक है जी। मान लीजिए मैं इसमें 32 घंटे दे देता हूँ, एम पी एम हटा देता हूँ इसके आगे से, क्योंकि एम से टेक्स्ट की तरह कंफ्यूज हो रहा। तो 32 घंटे दिखा रहा है, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ इसके मिनट कितने, एमएम टाइप कर लिया, 1962 मिनट हो गए। सेकंड देखने कितने, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही एसएस टाइप कर लिया, टोटल सेकंड कितने हो गए। तो टाइम इलेप्स के लिए इसको बड़े ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ठीक है जी। ये भी चीज आपके यहाँ अवेलेबल है, कैसे आपको दिखाना है, इलेप्स आवर्स, इलेप्स मिनट, इलेप्स सेकेंड, ठीक है जी। इसके बाद आपका बचता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ हम कैसे यूज करेंगे, अभी तक हमने देखा नंबर डेट वगैरह के साथ, टेक्स्ट के साथ यूज देख लेते हैं इसका। टेक्स्ट में ज्यादा खास यूज नहीं है, बट एक ये लगा लीजिए कि जैसे आपको लिखना है, आप कोई कंपनी का नाम डालते हैं और चाहते हैं कि इसके आगे ना मैसर्स मैसर्स आता जाए, ठीक है जी। कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एरिया को और यहाँ कर देंगे कस्टम में। तब भी हम कोई भी टेक्स्ट देते हैं ऐसी जगह, तो हम देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैसर्स टाइप किया मैंने, स्पेस भी दे दिया क्योंकि स्पेस अलग से तो मिलेगा नहीं मुझे, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये टाइप कर दिया। देन मुझे क्या करना है, टाइप करना है एट द रेट, ठीक है जी। अब मैं किसी भी कंपनी का नाम डालता हूँ तो मैसर्स जो है अपने आप लगा आ जाएगा, ठीक है जी। ये लगा हुआ आ रहा है। दूसरा हम बनाते हैं फॉर्म्स, मान लीजिए नेम बनाया और फिर ये क्या करते हैं, नीचे जो है अंडरलाइन के लिए अंडरस्कोर कर देते हैं एक फिगर बनाने के लिए इस तरह से, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, कई बार आप यहाँ से कम कर रहे हैं, कई बार यहाँ से ज्यादा कर रहे हैं, तो फॉर्मेट डिस्टर्ब होता रहता है, ठीक है जी। एक हमारे पास कीवर्ड होता है यहाँ पे, टेक्स्ट कस्टम में गया, मैंने क्या क्या टाइप, एट द रेट स्टार और वही कैरेक्टर जो मैं देता हूँ लाइन के लिए, ठीक है जी, अंडरस्कोर। मुझे क्या मिला यहाँ पे, सेम चीज मिली, जब मैं लाइन खींचता हूँ तो ये भी एक्सटेंड करता है, कम करता हूँ ये भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये और करेक्टर भी दे सकता हूं मैं चाहूं तो, स्टार ही दे दिया मैंने तो स्टार होने लगा, कोई भी करेक्टर इस तरह से दे सकता हूं मैं। अब देखिए ये मैंने यूज कहाँ किया था, एक बार ऑफिस में मैंने टाइम ऑफिस का एक लड़का था जो स्टाफ की एंट्री को
को एक्सेल में एंटर करता था इन टाइम आउट टाइम, तो उसकी क्या दिक्कत थी, टाइम डाला फिर कॉलन दबाया देन इसने अगला वो डाला, इस तरह से डालता था। तो एंट्री बहुत ज़्यादा होती थी तो ये कॉलन दबाने में लफड़ा पड़ता था हमेशा उसको, मतलब टाइम ज़्यादा लगता था उसको। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया, मैंने कहा इसमें मैंने लिखा इधर 00 इन्वर्टेड कॉमाज में कॉलन देन 00, ठीक है जी, ये फॉर्मेट हो गया मेरा। मैंने क्या करना है, 10 20 जैसे टाइप किया, बीच में कॉलन अपने आप 930 अपने आप आ गया, 1450 ये अपने आप आ गया, ठीक है जी, कॉलन अपने आप आ गया। हालांकि विजिबिलिटी में कोई चेंज, इसकी डेटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, पर उसका काम खाली विजिबिलिटी के लिए ही था, तो उसको इस तरह से फॉर्मेट हो गया। स्पेशल कैरेक्टर देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, नहीं है। कौन से कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो इसमें, वो इसमें दिए हुए हैं पहले से ही विदाउट सेमीकॉलन के, पर इनका कुछ अलग ही मतलब होता है। जैसे कॉलन दिया तो है बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, क्या पता जब भी कर ले, कई बार स्पेस का भी चक्कर होता है इनमें। नहीं ये नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता इसको, ठीक है जी, वही वाला है, इन्वर्टेड कॉमास में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम कराने से मतलब है बस, कैसे भी होना चाहिए। और क्या करते हैं हम इसके अंदर, जैसे आपको कभी भी, अब देख रहे हैं कि इसमें दिखाता हूँ एक आपको इंडियन नंबर फॉर्मेट के लिए कोड, जैसे हम मिलियन में आता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो आप नेट पे सर्च करेंगे उसका, आपको ये कोड मिलेगा, ये कोड आपका इंडियन नंबर फॉर्मेटिंग में काम आता है। दूसरा, जितनी भी चीज मैंने बताई, मैंने कहा कि विजिबिलिटी में चेंज आता है और रियलिटी में नहीं, तो रियलिटी में अगर उसकी चेंज करना हो तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, टेक्स्ट, ठीक है जी, टेक्स्ट में उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो पूरा फॉर्मेट दे दीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है जी। कस्टम फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जब देंगे तो ये जो है आपको वैल्यू टेक्स्ट के तौर पे देगा। एक मिनट, जनरल, क्या हो रहा है भाई, फॉर्मेट A1, कैलकुलेट नहीं कर रहा। अच्छा ये रहा, ठीक है, इसमें देख रहे हैं आपका 10,24,573 आ गया। और कैसे आ गया, थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आपको। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि कंडीशन इसमें लेते हैं बड़े ब्रैकेट में, तो पहली कंडीशन है अगर वैल्यू 1 करोड़ के इक्वल टू या उससे बड़ी हो तो कौन सा फॉर्मेट लगना चाहिए, यहां से लेकर इतना। अब ये फॉर्मेट है क्या, ये फॉर्मेट है यहाँ 0.00 डबल डेसिमल्स में आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पहला जो कॉमा लगा है ये लगा है 1000 के सेपरेटर के लिए, तीन वैल्यूज है ना, 1000 का सेपरेटर लग गया। इसके आगे ये जो स्लैश लगा हुआ है, ये
ये इसलिए लगा हुआ है कि कॉमा का जो सेपरेटर है वो अपनी ये रूल फॉलो करता है। अगर मैं वैसे कॉमा दे दूं तो वो 1000 लेगा, फिर यहाँ पे मिलियन ही लेगा, पर इसके उसको पलटना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जो पिछले रूल है वो भूल जाए, नया मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से ले। तो ये स्लैश उसके लिए लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ 1000 का ये रहा, लाख का ये रहा और करोड़ का ये रहा, ठीक है जी। इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया डिजिट्स को। अगर वो इस कंडीशन में नहीं पड़ता है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये लाख से ऊपर है, लाख से बड़ा है या बराबर है। तो ये इसमें क्या करेगा, ये लाख वाला फॉर्मेट फिट कर देगा, क्योंकि 1000 वाला ये करोड़ वाला फिट करेगा हर एक में, तो एक कॉमा फालतू ही दिखाता रहेगा ना बगैर बात के। वो डिजिट तो है नहीं, कॉमा तो दिखाएगा दिखाएगा, तो इसलिए यहाँ से 3 डिजिट 1000 का, लाख का, ठीक है जी। तो ये लाख का फॉलो कर रहा है, मान लीजिए इस कंडीशन में भी नहीं पड़ता तो आपका नॉर्मली ये वाला फॉलो करता है, कॉमा वाला। सिंपल कॉमा क्यों? क्योंकि देखिए 1 लाख से नीचे वाली वैल्यू 1000 में ही रहनी है, और 1000 में कॉमा अपने रूल फॉलो करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो ये था सर आज का आपका टॉपिक, कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। बाकी कल मिलते हैं फिर। आपके वैसे 3 डेमो हो चुके, बाकी आप फीडबैक दे सकते हैं क्या रहा आपको।